हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस क्लास में। आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर का लास्ट पार्ट। ठीक है, इधर हम लोग का स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम लूसेंट बुक। ठीक है, अब आप लोगों को जैसे कि पता है हम लोग दो पार्ट में एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों के थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि आप लोगों को मैक्सिमम पूछे जाते हैं एयरफोर्स में। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट में हम लोग जो है न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों के पूछे जाते हैं एयरफोर्स, नेवी, एनडीए तीनों में। ठीक है, और जो मैंने थ्योरेटिकल बोले थे वो आप लोग के नेवी और एनडीए में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टेंशन ना लेना कि आप लोग के थ्योरेटिकल क्वेश्चन केवल एयरफोर्स है। जो आप लोग का नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकल वो एयरफोर्स में ज्यादा होते हैं, क्योंकि एयरफोर्स में अराउंड 20 क्वेश्चन आर थ्योरेटिकल्स एंड 5 क्वेश्चन अराउंड न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग नेवी की बात करते हैं तो इसमें एक साइंस पोर्शन होता है टोटल 25 क्वेश्चन का, जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन जो है 16 से 17 क्वेश्चन होते हैं, और जिसमें न्यूमेरिकल भी आप लोग के 4 से 5 हो जाते हैं। तो मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोग कमी होंगे एयरफोर्स से। तो ये टारगेट जो है मेन आप लोग का एयरफोर्स के लिए है। अगर आप लोग नेवी, डबल एएसआर और एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी इस क्लास को आप लोग देख सकते हो। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम पर, तो ज्वाइन कर लेना। क्लास अच्छी लगा करे तो शेयर कर दिया करो, एंड होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो। कल मैंने क्लास कराया था उसमें किसी ने होमवर्क क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पूरी क्लास नहीं देखी है या फिर क्लास देखी नहीं है आप लोगों ने, तो जाके देखो, होमवर्क क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है मैंने, उसका आंसर कमेंट करो, देन उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, टिल देन मैं कोई भी आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं देने वाला होमवर्क क्वेश्चन का। ओके, अब टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उधर से ज्वाइन करो। डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाओ, सर्च करो डिफेंस कंपटीशन पॉइंट, तब भी मिल जाएगा आप लोगों को। चलो, पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। एक सदिश दे रखा है जिसका 4i-3j है, तो सदिश f के लंबवत एक अन्य सदिश होगा। तो अदर वेक्टर मेरे को बताना है f के जो लंबवत होना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरा जो f वेक्टर है वो सिंपली क्या दे रखा है, 4i-3j। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं f डॉट f वेक्टर डैश का, ठीक है, तो सिंपली 0 के इक्वल आना चाहिए। डेट इज 4i-3j का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करूं मैं, 7k के इक्वल। ठीक है, 7k के साथ क्यों कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है ii का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, आप लोगों का i आता है, सॉरी 1 आता है। ओके, अगर हम लोग ij का करते हैं तो 0 आता है आप लोगों का। ओके, तो सिंपली अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं, देखो i तो है नहीं तो 0 हो गया, j है नहीं तो 0 हो गया, अब इधर k नहीं है, इधर k है तो फिर से 0 हो गया। आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा, आप लोगों का 0 आ गया। तो क्या हो गया, आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। f वेक्टर के जो लंबवत वेक्टर है या परपेंडिकुलर वेक्टर है वो 7k वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर। 3 सदिश दे रखे हैं मेरे को, ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के परिमाण क्रमशः 12, 5 वह 13 मात्रक हैं, तथा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी के इक्वल दे रखा है। तो ए और बी के बीच में जो कोण होगा वो बताना है हम लोग को। ठीक है, अब देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर सी के इक्वल। ठीक है, रिजल्टेंट के इक्वल। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, ठीक है, तो इधर क्या कर दोगे, वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, पहले इधर क्या आएगा आप लोगों का, वेक्टर a डॉट वेक्टर b आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट को जब हम लोग हटाते हैं तो सिंपली ab cos थीटा लिख देते हैं, गॉट इट। अब सिंपली इधर क्या आ गया आप लोगों का, c वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने बोथ साइड क्या कर दिया, स्क्वायर ही कर दिया। ओके, चलो अब हम लोगों को क्या करना है, इधर बोला है कि तो a और b के बीच में कॉर्ड होगा वो हम लोगों को बताना है। ओके, तो एक अब वैल्यू रख देंगे हम डायरेक्ट। ठीक है, तो a वेक्टर की जो वैल्यू थी, सॉरी मतलब a का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना दे रखा था, 12 दे रखा था, स्क्वायर करोगे तो 144 हो गया। b का कितना दे रखा था, 5, इसका स्क्वायर करोगे 25 हो गया प्लस। अब ऐसी इधर 2, अब ये क्या हो गया आप लोगों का a का मॉड, तो a का मॉड किसके इक्वल आ रहा है आप लोगों का, इधर देख सकते हैं हम लोग a 12 के इक्वल। ठीक है, b 5 के इक्वल, इधर हम लोग का cos थीटा विल बी इक्वल टू। अब c का मॉड कितना था, 13, स्क्वायर करोगे तो 169 और ये 169 कट गया। ठीक है, तो बचा कितना आप लोगों का, सिंपली इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 60 × 2 इज 120 cos theta is equal to 0, it means cos theta will be equal to 0, और cos theta 0 कब होता है, जब theta is equal to pi by 2 और 90 degree। ठीक है, या तो 90 degree हो या फिर pi by 2, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। आंसर क्या हो गया आप लोगों का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर आ चुका है। एक ही बिंदु पर लगे दो बलों में प्रत्येक का परिमाण f है। ठीक है, एक बिंदु पर दो बल लग रहे हैं, दोनों का जो परिमाण दे रखा है वो क्या दे रखा है हम लोग को, F दे रखा है। यदि इनके परिणामी बल का परिणाम भी F ही हो, ठीक है, मतलब कि एक बिंदु पर मैंने मान लिया दो बल लग रहे हैं आप लोग के, या फिर इस टाइप से मान लिया मैंने, ठीक है, तो इनका जो परिणामी आया, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इनका जो रिजल्टेंट आया वो भी क्या आया आप लोग का, F आया। ओके, तो दोनों बलों के बीच का कोण क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो बताना है आप लोगों को।
ठीक है। अब रिजल्टेंट आर इक्वल टू क्या होना चाहिए आप लोगों का, इधर सिंपली एफ वन प्लस एफ टू के इक्वल वेक्टर लगा दो, ठीक है, यही तो होगा आप लोगों का। अब देखो आप लोगों को पता है जो आर है वो किसके इक्वल दे रखा है, एफ के इक्वल दे रखा है, सिंपली एफ वेक्टर इज इक्वल टू इधर क्या आ गया एफ वन एंड एफ टू आ गया, ओके। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, खोल देंगे, ठीक है। तो अंडर रूट में क्या आ गया आप लोग का, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, गॉट इट, ठीक है। अब सिंपली इधर क्या है आप लोग का, एफ दे रखा है, ठीक है, तो ये एफ हो गया, स्क्वायर कर दो तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जो एफ वन था और एफ टू था दोनों के दोनों एफ दे रखे थे, मतलब ये भी एफ हो गया आप लोग का, सॉरी एफ स्क्वायर, ये भी एफ स्क्वायर हो गया, प्लस टू इंटू ये भी एफ हो गया, ये भी एफ हो गया, इधर क्या आ गया आप लोग का कॉस थीटा, एक एफ से एक एफ कट गया, ठीक है। देन सिंपली क्या आ जाएगा आप लोग का, माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू टू एफ स्क्वायर कॉस थीटा के इक्वल, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर काट दो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का माइनस वन बाई टू, और माइनस वन बाई टू कॉस थीटा में किसका वैल्यू होता है 120 डिग्री का, या फिर बोल सकते हैं हम लोग टू पाई बाई थ्री के इक्वल, समझ आएगी नहीं, तो 120 डिग्री आप लोग का कोण आ जाएगा, ओके। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मान सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों को क्या दे रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को क्या लिख देते हैं, ए बी साइन थीटा, और डॉट को क्या लिख देते हैं, ए बी कॉस थीटा, समझ आया कि नहीं। तो सिंपली ए बी से ए बी काट दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा वन, दैट इज टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया आप लोगों का वन के इक्वल, मतलब थीटा विल बी इक्वल टू क्या आ गया आप लोगों का पाई बाय फोर के इक्वल आ जाएगा। इधर आंसर क्या होने वाला है, सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, समझ आया कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, यदि ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आप लोगों को वेक्टर सी दे रखा है, तथा ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तब वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब सेम वही है आप लोगों का, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका क्या लिखेंगे हम लोग, रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर सी का मॉड, ओके। अब सिंपली स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ओके, तो वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर सी स्क्वायर, ठीक है। तो वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। इधर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, सी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, गॉट इट। तो सी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इधर, ओके, तो वैल्यू पुट कर दो, तो सिंपली क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर आप लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ओके। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया आप लोग का, ओके, टू से टू कट गया, ए बी से ए बी कट गया आप लोग का, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू क्या आ गया आप लोगों का वन, और थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोगों का जीरो डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का, इधर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर आ चुका है, फटाक से सॉल्व कर दो। क्या बोला गया है, यदि दो सदिशों के योग तथा अंतर परिणाम में बराबर हो तो उनके बीच का कोण क्या होगा। कर लो भैया इसको होमवर्क क्वेश्चन। अब क्यों मैंने होमवर्क क्वेश्चन बोला है, क्योंकि कल जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन करा रहा था तो सेम क्वेश्चन आप लोगों को मिला था, ठीक है, जिसे होमवर्क में आप लोग लिख सकते हो, ओके। इसे सॉल्व नहीं कराऊंगा, या तो कल का वीडियो देख लेना आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी तीन सदिश हैं, तीनों वेक्टर हैं आप लोग, ठीक है। अब ए डॉट बी आप लोग क्या दे रखा है, जीरो के इक्वल, तथा ए डॉट सी विल बी इक्वल टू जीरो, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है आप लोग को, जीरो के इक्वल, मतलब ए और बी क्या हो गए, आपस में परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। ए डॉट सी जो है वो भी किसके इक्वल दे रखा है, जीरो के इक्वल, मतलब ए और सी किस कैसे हो गए आपस में, दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है आप लोग का, ए आ रहा है, ठीक है, ए के बी भी परपेंडिकुलर है और ए के सी भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो गया, जो बी है वो क्या होगा भैया, पैरेलल होगा किसके, सी के। तो आंसर क्या हो गया हम लोग का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं रफ डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने, लेट ए वैक्टर ये हो गया मेरा और बी वैक्टर मेरा ये हो गया, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर दे रखे हैं, ठीक है। अब वेक्टर ए ये हो गया, तो इसी के साथ सी वेक्टर मेरा परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो सी वेक्टर, अब मेरे को ये नहीं पता कि आप लोग का इधर परपेंडिकुलर है या फिर आप लोग का नीचे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब नीचे परपेंडिकुलर हो या फिर ऊपर परपेंडिकुलर हो, ये तो उसने बोला नहीं है, पर है तो दोनों आपस में पैरेलल ही आएंगे, ऊपर होगा तब भी पैरेलल आएगा और नीचे होगा तब भी,
तो नीचे वाली कंडीशन में क्या बनेगा, वेक्टर v ये हो गया और वेक्टर c ये हो गया, और ऊपर वाली कंडीशन की बात करें वेक्टर v ये हो गया आप लोग का, वेक्टर c ये हो गया आप लोग का, ठीक है। दोनों में आ तो रहे परपेंडिकुलर पर डायरेक्शन आप लोग का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा इधर, हमें केवल क्या निकालना है आपस में क्या है ये दोनों पैरेलल आ रहे हैं, ठीक है, समांतर आ रहे हैं, गॉट इट। सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर देखो, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल करा चुका हूँ, ठीक है, और बताया था कि आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है एयरफोर्स में पूछा गया था। तो क्वेश्चन को कर लेना, होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को फिर से मैंने दे दिए, ठीक है। क्वेश्चन मैंने जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो निकाल दिए हैं, ठीक है, जो रिपीट हो रहे हैं आप लोगों के सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन, एक वैल्यू अगर चेंज है तो वो निकाल दिए मैंने क्वेश्चन, ठीक है, या फिर आप लोगों को होमवर्क के लिए वो क्वेश्चन दे दूंगा। गॉट इट? कोई क्वेश्चन सेम है उसको सॉल्व कराने से कोई मतलब नहीं बनता, ओके, वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, आप लोगों का प्रैक्टिस बढ़ेगा, ठीक है। इधर तो आप लोग क्या कर रहे हो, सिंपली मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो, ओके, रफ फॉर्म भी लिया करो, क्वेश्चन सॉल्व किया करो मेरे से पहले, ओके। चलो सजेस्ट दे रखा है आप लोगों को ये दिशा में, एकांक सदिश आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इस सदिश की दिशा में, मतलब वेक्टर की दिशा में आप लोगों को यूनिट वेक्टर बताना है क्या होगा। तो इसका सिंपली क्या निकाल लो, पहले मॉड निकाल लो। तो मॉड क्या आएगा आप लोग का, अंडर रूट में देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो सिंपली क्या आ गया आप लोग का, अंडर रूट में 14, ठीक है। अब मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर आप लोग का एन कैप इक्वल टू क्या आता है, वेक्टर ए डिवाइड में आप लोग का मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए देख क्या दे रखा है, आई प्लस 2j प्लस 3k, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोग का मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए क्या हो गया, अंडर रूट में 14। तो आंसर क्या हो गया मेरा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, क्या बोला गया, आई जे एवं के क्रमशः एक्स वाई तथा जेड अक्षों की दिशा में इकाई सदिश है, ठीक है, तीनों क्या है आप लोग के इकाई सदिश है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है। अब देखो क्या हो गया आप लोग का, ये इस टाइप से, ठीक है, ये एक्स एक्सिस में आई हो गया, ये वाई में जे हो गया, और जेड में क्या हो गया आप लोग का, के हो गया। अब मेरे से क्या बोला गया है कि जो आई क्रॉस जे है उसका गुणनफल जो होगा वो क्या आने वाला है। अब ये तो आप लोग का डायरेक्ट याद होना चाहिए, तो आई क्रॉस जे जब भी निकालते हैं तो क्या आता है आप लोग का, के बराबर आता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? जब भी हम लोग जे क्रॉस के निकालेंगे तो किसके इक्वल आता है आप लोग का, आई के इक्वल आता है, और के क्रॉस आई निकालेंगे तो किसके इक्वल आता है आप लोग का, जे के इक्वल आता है, ठीक है। इसका इनवर्स कर देंगे तो नेगेटिव टाइम्स लिख देंगे, गॉट इट। सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चले आगे, 11th क्वेश्चन करो, दो सदिश दे रखे हैं, मतलब दो वेक्टर दे रखा है f1 तथा f2, परस्पर लंबवत है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर दे रखे हैं मेरे को। अब मेरे को क्या बताना, f2 जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब ये पूछा गया है, अब मैंने क्या बोला था, जब भी आप लोगों को परपेंडिकुलर दिया जाए करे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, तो f1 डॉट f2 करूंगा मैं, तो सिंपली किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब मेरे को क्या ढूंढना है, आई और जी मेरे को दे रखे हैं, तो मेरे को ऐसा ढूंढना है जिसमें आई जी ना हो, तो किस में मिल गए मेरे को, के वाले में मिल गए। अब मैं करके देख लेता हूँ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो सिंपली क्या आ गया, 4i-3j प्लस 0 के, और जो इस वाले में आएगा वो क्या आएगा आप लोग का, 0i प्लस 0j प्लस k के इक्वल, ठीक है। तो 4 × 0 इज 0, 3 × 0 इज 0, और 0 × k इज 0, तो आंसर क्या आ गया ओवरऑल 0। तो आप लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब f1 के लंबवत जो f2 वेक्टर होगा वो k कैप होगा, ठीक है। चलो 12th वाला क्वेश्चन कर दो, ठीक है। अब देखो 12th वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया आप लोगों का, यदि तीन बल दे रखे हैं मेरे को, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे किया था, तीन सदिश दे रखे थे ABC, इधर बैक आप लोगों को बल दे रखे हैं F1, F2 एंड F3, जिनके आप लोगों को परिणामी दे रखे हैं, मतलब कि मैग्नेटोर दे रखे हैं आप लोगों को 3, 4 एंड 5, और बोला क्या गया है, वेक्टर F1 प्लस F2 विल बी इक्वल टू F3 के इक्वल दे रखा है, और F1 और F2 में आप लोगों को कॉर्ड पूछा गया है। सेम डिट्टो क्वेश्चन है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, इसलिए इस क्वेश्चन को फिर से मैं आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो टोटल तीन क्वेश्चन होमवर्क दे दिए, जो कि मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन वो वाले, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, और इनके मेरे को आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, गॉट इट। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कोई बल जो, ठीक है, एक फोर्स दे रखा है जिसका आप लोगों को मैग्नीट्यूड दे रखा है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, मतलब एक वेक्टर फोर्स दे रखा है आप लोगों को, किसी कण को एस मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है, मतलब उसको डिस्प्लेस कर रहा है 5i+6j तक, ठीक है। तो किया गया कार्य आप लोगों को बताना है, हम लोगों को पता है कार्य जो होता है fs cos theta या फिर हम लोग f.s बोलते हैं, ठीक है। तो इधर मैं पहले fs cos theta लिखूंगा, अब f.s लिखूंगा, ठीक है। अब कर दो भैया f.s, तो f.s क्या आएगा आप लोग का, 2 × 5 ठीक है, एंड 5 × 6 30, तो 10 + 30 विल बी इक्वल टू 40 जूल के इक्वल। तो आंसर क्या आ गया आप लोग का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मिलेंगे आप लोग, उसका टेंशन ना लो। अब देखो आ चुका आप लोग का
ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ए एवं बी के बीच का कॉर्ड क्या होगा, तो ए और बी के बीच का जो कॉर्ड है वो आप लोग को बताना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग को पता है जब भी हम लोग दो वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं या फिर सदिश गुणनफल करते हैं तो किसके इक्वल आता है, माइनस टाइम ऑफ उसके उल्टे के, समझ आया कि नहीं। बट इधर क्या दे रखा है आप लोगों, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू बी क्रॉस ए के बराबर दे रखा है। अब उल्टा क्यों आता है, क्योंकि इन दोनों को जो कोण होता है, ये दोनों होते हैं आपस में कितनी डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। अब अगर मेरे को ये साइन चेंज करना है, ठीक है, ये साइन मेरे को नेगेटिव को हटाना है, तो नेगेटिव को मैं कैसे हटा सकता हूँ, जब इन दोनों के बीच का जो कोण है या तो 0 डिग्री हो या फिर मेरा कितना हो, 180 डिग्री हो, समझ आया कि नहीं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, अगर कोई भी डाउट है यार कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ओके, एंड टेलीग्राम चैनल भी खुला हुआ है, पूछ लो जो डाउट हो, पेपर आने वाला है, तैयारी फुल रखो। चलो 15 क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, इस क्वेश्चन को अभी मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। अब क्यों दे रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों का, इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब क्वेश्चन जो आप लोगों का टाइम मिलता है वो 50 सेकंड मिलता है, और ये क्वेश्चन जो है एक मिनट से ऊपर लेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को इसलिए मैं आप लोगों को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, जैसे एक एंगल निकालो, एंगल निकालने के बाद इसका रिजल्टेंट निकालो और पुट कर दो एंगल को, आंसर आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। चलिए, चार क्वेश्चन होमवर्क दे चुका हूं अब तक आप लोगों को, ठीक है। 3 एवं 5 परिमाण वाले दो सदिशों के बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री दे रखा है, तो उनके अदिश गुणनफल आप लोगों का मान बताना है। अदिश का मतलब पता है आप लोगों को, डॉट प्रोडक्ट बताना है उसका, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट की जब हम लोग बात करते तो दो मैंने जो है सदिश ले लिए, क्या ए और बी ले लिए, तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू क्या आना चाहिए आप लोग का, ए बी कॉस थीटा के इक्वल। ए का परिमाण क्या दे रखा है, 3, बी का क्या दे रखा है, 5, ठीक है। देखो मैं ए बी अगर लिख देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ए आप लोगों का अलग है, बी आप लोगों का ये है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका मतलब ये होता है, समझ पा रहे हो नहीं, ओके। तो 3 × 5 इधर क्या आ जाएगा, cos 60 डिग्री, ठीक है। 3 × 5 = 15, cos 60 का वैल्यू 1/2, आंसर 7.5 यूनिट के इक्वल आ गया, समझ पा रहे हो नहीं, तो आप लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर करो, यदि वैक्टर ए इक्वल टू बी प्लस सी दे रखा है और वेक्टर ए, वेक्टर बी एवं वेक्टर सी का परिमाण क्रमशः 5, 4 एवं 3 है, तो ए एवं सी के बीच का कोण क्या होगा। अब आप लोग सोचोगे ये क्वेश्चन तो भैया तीसरी बार रिपीट हो रहा है, नहीं, उसमें जो आप लोगों को एंगल पूछा जा रहा था जो प्लस थे उन दोनों के बीच में पूछा जा रहा था, पर इसमें जो एंगल पूछा जा रहा है वो आप लोगों को उल्टा एंगल पूछा जा रहा है, ए और सी के बीच में। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर एक राइट एंगल बना लेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो सिंपली इधर अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का क्या हो गया ए, जिसकी वैल्यू दे रखी है हम लोग को 5, ठीक है, ये हो गया बी जिसका वैल्यू दे रखा 4, और ये हो गया हम लोग का सी जिसका वैल्यू दे रखा हम लोग को 3, ठीक है। इधर हम लोग जो है एंगल थीटा ले लेते हैं, गॉट इट, ओके। हम लोग को किस किस के बीच में कोण बताना है, ए और सी के बीच में कोण बताना है इधर, ठीक है। तो सिंपली क्या आ जाएगा आप लोग का, कॉस थीटा इक्वल टू सी के मोड डिवाइड में आप लोग का ए के मोड के इक्वल, ओके, बेस अपॉन क्या आएगा आप लोगों का, हाइपोटेन्यूज, गॉट इट। चलिए भैया, अब सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे इधर आप लोगों का, 3/5 के इक्वल, तो आंसर क्या आ गया मेरा, सिंपली 3/5, मतलब थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5, ओके, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब मैंने थोड़ी सी गलती इधर ये कर दी है, इधर आप लोगों को बी लेना है, ठीक है, जो कि 4 हो जाएगा आप लोगों का, और इधर आप लोगों को सी लेना है जो कि 3 हो जाएगा, ओके। देखो मैंने एंगल इधर माना है, इसलिए मैं एंगल इधर भी मान सकता था अगर मैंने सी लिया है, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, उसका टेंशन ना लिया करो, ठीक है, सारी चीजें ओके हैं, और ये 90 डिग्री कोण है, ठीक है। अगर मैं कॉस थीटा इधर ले लेता तब भी मेरा आंसर यही आना था, पर मैंने इधर चेंज कर दिया सो डैट आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल पड़ जाए, ओके, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चले फिर हम लोग, 18th क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। बोला क्या गया है आप लोग का, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का क्या कोण होगा, करो दो भैया होमवर्क क्वेश्चन। क्यों कर दिया होमवर्क क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन मैंने आप लोग कल कराया था, क्या था क्वेश्चन आप लोगों का, दो सदिशों का जो आप लोगों का सम होगा, ठीक है, उसका जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, परिणामी आएगा आप लोगों का, वो किसके बराबर था, उनके विषम के बराबर था, मतलब कि आप लोगों का
जो माइनस करते हैं हम लोग वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर, मतलब सेम ही क्वेश्चन था। एक बार ऐसा करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपस में आप लोग को इक्वल दे रखे हैं, तो अंडर रूट में क्या आ गया आप लोग का, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस टू ए वी कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए वी कॉस थीटा, ठीक है। स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो सिंपली इधर आप लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए वी कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ तो फोर ए वी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का, जीरो के इक्वल आ गया, मतलब कॉस थीटा विल बी इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, जीरो के इक्वल, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप लोगों को पता है कॉस में जीरो कब आता है आप लोगों का, जब एंगल 90 डिग्री दे रखा हो, बी ऑप्शन। सेम क्वेश्चन था कि नहीं, ठीक है, वही हम लोगों ने क्या किया आप लोगों का सम किया और सब्ट्रैक्ट किया दो वेक्टर को, उनका जो रिजल्टेंट था वो आप लोग को इक्वल दे रखा था, ए और बी के बीच में कॉर्ड बता दिया, ओके। तो सेम क्वेश्चन था आप लोगों पर, सॉल्व करा दिया आप लोगों को, ओके। चलो देखो क्वेश्चन आप लोग कैसे भी पूछ लिया जा सकता है, लैंग्वेज में या फिर आप लोगों को जो क्वेश्चन ये दे रखा है इस टाइप के फॉर्मेट में भी पूछ लिया जा सकता है, ओके। तो हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करो, फुल सॉल्व किया करो। चलो 19th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्या बोला गया है, यदि a प्लस बी इक्वल टू सी दे रखा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो a और b के बीच में जो कॉर्ड होगा वो बताना है, ठीक है। सेम वही करेंगे हम लोग, इसका मॉड ले लो मतलब रिजल्टेंट का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो इधर क्या आ गया आप लोग का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज प्लस टू ए वी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का, सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है आप लोग का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। इधर क्या आ गया आप लोग का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वी कॉस थीटा के इक्वल हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, टू ए वी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, जीरो। और आप लोग को पता है कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाई टू। आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, सिंपली सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर आ चुका, मस्त सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला गया है, 10 डाइन के दो बल दिए गए चित्र के अनुसार कार्यरत हैं, तो इनका परिणामी बल का मान होगा। देखो इस क्वेश्चन में आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है बट आप लोग तब भी कंफ्यूज हो गए, करो सॉल्व एक बार, ठीक है। चलो आंसर लगा लिया, अब करें सॉल्व। अब देखो क्या बोला गया आप लोग का, देखो ये वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन इधर है, पर इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो मतलब मेरे को रिप्रेजेंटेशन गलत दे रखा है। ये कहाँ आना चाहिए भैया, इधर आना चाहिए, ठीक है, तभी तो सही होगा। जब 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 भी तेल तेल आप लोगों की जो आपस में कनेक्टेड होती है तभी तो कोई एंगल कोण बनता है, ठीक है, तभी तो मैं रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ उसका, ओके। तो आप लोग का टेल टेल कनेक्ट कर दी, अब ये पूरा एंगल 180 डिग्री का था, 60 माइनस कर दो तो ये कितना बचा, 120 डिग्री, समझ आया कि नहीं। अब मैं इसका क्या करूंगा, परिणामी बल निकालूंगा, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लूंगा इधर, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, अंडर रूट में एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है। तो क्या आ गया आप लोग का, एफ वन स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस टू इंटू एफ वन 10, एफ टू 10 और कॉस क्या आ गया आप लोग का, 120 डिग्री, ठीक है। सिंपली क्या आ गया आप लोग का, 200 माइनस के 200 मल्टीप्लाई में आप लोग का इधर क्या आ जाएगा, सिंपली माइनस 1/2 के इक्वल, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करो 100 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अंडर रूट में क्या आ गया आप लोग का, 300, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 10√3 के इक्वल। पर आप लोगों का आंसर क्या आ रहा होगा, 10 आ रहा होगा, बट एक्चुअली आंसर इज 10√3, गॉट इट। आगे चला जाए, एक मिनट रुको यार, हमने कन्फ्यूजन कर दिया भैया, इधर को इधर प्लस होगा आप लोगों का, ठीक है, इधर प्लस होगा ना कि माइनस, तो इधर प्लस आया इधर नेगेटिव, तो इधर 200 बचेगा, सॉरी 100 बचेगा इधर, ठीक है, 200 में से माइनस करेंगे 100 को, तो 100 बचा, तो जो आंसर आएगा वो हम लोग का क्या आने वाला है, वो 10 डाइन के इक्वल आएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। देखो क्या किया आप लोगों ने, दोबारा समझा देता हूँ आप लोगों को, एफ इक्वल टू अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू हो गया हम लोग का। देखो एफ वन एफ टू क्या दे रखा है, 10 डाइन के इक्वल, पुट कर दिया, एफ वन का स्क्वायर 100, एफ टू का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू एफ वन का वैल्यू 10, एफ टू का वैल्यू 10, इधर कॉस 120 डिग्री, ठीक है। तो इधर प्लस था तो हम लोगों ने गलती से नेगेटिव लगा दिया था टेबल, ठीक है, ये 200 हो गया प्लस, इधर आप लोग का 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 200, ठीक है, और कॉस 120 की जो वैल्यू होती है वो माइनस 1/2 होती है, तो माइनस 1/2 लिख दी इधर, ठीक है। तो सिंपली क्या हो गया, 200 को डिवाइड करो 200, तो 100 बचा और माइनस और बचा आप लोग का, तो 200 में से माइनस कितना होगा आप लोग का, 100 और होगा, तो बचा क्या 100, अंडर रूट 100 को बाहर निकालेंगे तो कितना बचा आप लोग का, 10 डाइन के इक्वल, मतलब हम लोग का जो आंसर होगा
वो ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ना कि बी सी। ठीक है, तो ए ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, फटाफट सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को। फिर से सेम क्वेश्चन आ चुका आप लोगों का, ठीक है। यदि आप लोग का वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है ये बोला गया आप लोगों को, ये नहीं बोला गया सही है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों ने ये निकाला था तो जो कॉर्ड आया था थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आया था, ये तो आप लोगों को पता होगा। ओके, तो ये मतलब कि सी ऑप्शन तो आप लोगों का सही है। ठीक है, अब ये पूछा गया सही कौन सा नहीं है। अब जब लंबवत तो है तो समांतर तो नहीं होगा, ये सिंपल सी बात है। तो मेरा जो आंसर बनेगा वो क्या बनने वाला है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इधर। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, 22 वाला क्वेश्चन करो सॉल्व एक बार। आप लोगों क्या बोला है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है, और यदि वेक्टर ए दे रखा आप लोगों को तो वेक्टर बी का मान क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर लो पहले। ठीक है, अब क्या है भैया? एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करेंगे पहले। वेक्टर ए क्या दे रखा? आई माइनस जे प्लस के, और हम लोग क्या करेंगे? बी वाले को प्लस करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो इधर क्या आ गया आप लोगों का आई, ठीक है, ये माइनस जे, ये प्लस प्लस जे, तो जीरो जे। ठीक है, और ये कितना हो गया आप लोगों का? प्लस के और माइनस के, तो ये कितना हो गया आप लोगों का? जीरो के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट में वन प्लस जीरो प्लस जीरो, तो क्या आ रहा है आप लोगों का मैग्नीट्यूड? सिंपली वन के इक्वल आ रहा है। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वन के इक्वल होगा, मतलब कि ये क्या आ रहा है आप लोगों का? एकांक सदिश आ रहा है। तो बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया? यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो दे रखा आप लोगों को, तो निम्न में से कौन सा सही है ये आप लोगों को पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, अब ये बताना कि ये आंसर आप लोगों का बी कैसे सही होगा। ठीक है, मेरे को रीजन चाहिए, हर बच्चा रीजन लिखेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तभी आप लोग जो है सुधरोगे, तभी आप लोग फुल वीडियो देखोगे, वैसे देखते नहीं हो जब तक आप लोग कुछ भी वर्क नहीं दिया जाए। ठीक है, हर बच्चा रीजन लिखेगा, क्वेश्चन नंबर डालेगा, क्वेश्चन नंबर 30 का ये रीजन है सर, इसलिए आप लोगों का आंसर बी सही है। ठीक है, चलो यदि दो एकांक सदिशों का परिणामी भी एकांक सदिश है, ठीक है, दो एकांक सदिश दे रखे हैं, उसका जो परिणामी है वो भी सदिश आ रहा है, वो भी आप लोग का एकांक सदिश आ रहा है, तो उनके बीच का जो कोण होगा वो आप लोगों को बताना है कितना होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? जो मैग्नीट्यूड आया, ठीक है, वो भी मेरा क्या आया? एक यूनिट वेक्टर आया। तो दो मेरे को वेक्टर दे रखे थे, मैंने ए एंड बी मान लिया। ठीक है, तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो भी किसके इक्वल है? वन के इक्वल है। ठीक है, तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू क्या आएगा आप लोगों का? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा के इक्वल। गॉट इट? तो सिंपली ये वन के इक्वल है, अंडर रूट में ये भी वन के इक्वल, ये भी वन के इक्वल, प्लस टू इंटू वन इंटू वन, इधर आप लोग का कॉस थीटा। ठीक है, सिंपली स्क्वायर कर दो, तो वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस वन प्लस टू कॉस थीटा के इक्वल, वन से वन माइनस कर दो, तो इधर सिंपली क्या आ गया आप लोग का? कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू के इक्वल। और आप लोगों को पता है कॉस में माइनस वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है? 120 डिग्री की, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको 2 पाई बाई 3 के इक्वल। तो आंसर क्या हो गया आप लोगों का? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो आप लोगों को वैल्यू 120 डिग्री भी दे रखी हो सकती है, ठीक है, और आप लोगों को 2 बाई 3 पाई भी दे रखी हो, सॉरी 2 पाई बाई 3 भी दे रखी होती है, रेडियन भी दे सकते हैं, ठीक है, और डिग्री में भी दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, सब लोग सॉल्व करेंगे। क्या बोला है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिणामी आर वन दे रखा है, ठीक है, लिख दो भैया आर वन। और क्या बोला गया है? और यदि वेक्टर बी की दिशा उलट दी जाती है, इसकी दिशा को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, मतलब कि ए माइनस बी, ओके, तो आप लोगों का जो आ रहा है वो आर टू आ रहा है। ठीक है, अब बोला क्या गया है? तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर का मान क्या होगा? अब इन दोनों का स्क्वायर कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं भैया आगे। इधर आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या आएगा आप लोगों का? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस इधर वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया आप लोगों का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। समझ पा रहे हो? देखो प्लस टू ए बी कॉस थीटा माइनस टू ए बी कॉस थीटा कट गए, आप लोगों के बचा क्या है? टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आ जाएगा वो सिंपली क्या आने वाला है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके,
चलो भैया 27 वाला क्वेश्चन कर दो फटाफट। देखो इसमें आप लोग जो है नंबरिंग का थोड़ा सा चेंज देखोगे, ठीक है, वो आप लोग को अभी मैं बता दूंगा। 27th क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। यदि क्या बोला आप लोगों को, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आर दे रखा है, ठीक है, और वेक्टर ए प्लस टू बी लंबवत है, मतलब दोनों आपस में क्या दे रखा, परपेंडिकुलर दे रखे है। तो भैया सॉल्व करो, सिंपल सी बात है, वेक्टर ए डॉट ए प्लस टू बी वेक्टर के इक्वल, ठीक है, इनका डॉट करेंगे तो डॉट करो ए डॉट ए, ए डॉट ए, ठीक है, प्लस टू इंटू ए डॉट बी, ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आप लोग का टू ए बी कॉस थीटा के इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्या गिवन है हम लोग को, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू आर वेक्टर के इक्वल, रिजल्टेंट है, सिंपल सी बात है, स्क्वायर करो तो दोनों साइड मॉड लगाकर, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इधर क्या आ गया आप लोग का टू ए बी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस क्या दे रखा आप लोग को, टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, किसके इक्वल दे रखा, इसके इक्वल दे रखा, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, क्योंकि इनका क्या किया था, डॉट किया था, डॉट ऑलवेज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, क्या दे रखे थे, दोनों आपस में लंबवत दे रखे थे, इसलिए जीरो होता भैया, ठीक है, हमेशा जीरो नहीं होता वैसे, ओके। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा का तो वैल्यू हो गया जीरो, तो बचा क्या आप लोग का, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इट मीन्स बी इज इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, आर के बराबर आ जाएगा। आंसर क्या हो गया भैया, सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलो 29th क्वेश्चन कर दो फटाफट एक बार। यदि सदिश पी एवं क्यू के बीच का जो कोण दे रखा है वो थीटा है, तो क्या बोला आप लोगों को, वेक्टर पी डॉट क्यू क्रॉस पी का मान जो होगा वो बताना आप लोगों को क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, ठीक है, वेक्टर पी डॉट क्यू क्रॉस पी इसका क्या बताना है, मेरे को मान बताना है। मैं क्या कर देता हूँ, लेट क्यू क्रॉस पी से एन वेक्टर मान लिया मैंने, ठीक है, एन वेक्टर मान लिया, ठीक है, एंड आप लोगों को पता है जो एन वेक्टर है वो क्या है आप लोगों का, परपेंडिकुलर है टू वेक्टर क्यू एंड वेक्टर पी, ठीक है, इन दोनों के क्या दे रखा है आप लोगों का, परपेंडिकुलर दे रखा है, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, तो ये पूरा मैंने क्या माना है भैया, क्यू क्रॉस पी इज एन, और एन इज परपेंडिकुलर टू किसके, क्यू के भी और पी के भी, तो ये तो भैया पी है ना, तो सिंपली क्या आ गया आप लोगों का, वेक्टर पी डॉट एन वेक्टर, तो आपस में तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो के बराबर, तो आंसर क्या आएगा आप लोगों का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। चलो भैया आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो 29 के बाद 31वां क्वेश्चन आया, तो मैंने जो नंबरिंग करी है वो आप लोगों को अकॉर्डिंग टू लूसेंट फिजिक्स के जो बुक है उसके अकॉर्डिंग करी है, और जो क्वेश्चन छोड़ दिए जैसे 30 वाला क्वेश्चन हटा दिया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर मे बी वो रिपीटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसलिए मैंने वो हटा दिया है क्वेश्चन, ठीक है, तो नंबरिंग आप लोग देख सकते हो, जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए वो क्वेश्चन आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हो, पीडीएफ प्रोवाइड फुल कर दी जाएगी आप लोगों, ठीक है। यदि सदिश ए एवं बी के अंतर का परिणामी उनके योग के परिणामी के लंबवत है, ठीक है, वेक्टर ए दे रखा है मेरे को और वेक्टर बी दे रखा, उनका जो अंतर है, ठीक है, उनके योग के परिणामी के बराबर दे रखा है, ठीक है भैया, लंबवत और दे रखे हैं, तो ए प्लस बी, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट आया आर, ठीक है, और ए माइनस बी जो इसका रिजल्टेंट आया, जिसका आर वन वाली है, इसका आर टू आया, ठीक है, दोनों क्या दे रखे हैं आपस में लंबवत दे रखे हैं, मतलब आर वन डॉट आर टू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ, किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, ए डॉट ए इज ए स्क्वायर, ठीक है। अब इधर क्या आया आप लोग का माइनस, ठीक है, माइनस नहीं करते हम लोग, बी का कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो बी डॉट ए, ठीक है, अब फिर से हम लोग करते हैं बी डॉट ए, ठीक है, अब हम लोग ए का किसके साथ करेंगे, इसका बी के साथ करेंगे, तो माइनस क्या आ गया आप लोग का, ए डॉट बी, ठीक है, अब बी का बी के साथ करेंगे तो आप लोग का क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो अब ये आप लोगों को पता है, हम लोग ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, बी डॉट ए, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इधर क्या दे रखा, माइनस, तो इसको काट सकते हैं हम लोग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, जीरो के इक्वल आ गया, इतना समझ आया कि नहीं, ठीक है, हम लोगों ने कुछ गलती कर दी, इधर माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि बी का मल्टीप्लाई किसमें करा है हम लोगों ने, माइनस बी में किया है, ओके, तो इधर क्या आ गया हम लोग का, माइनस बी आ गया, समझ आया कि नहीं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, बी स्क्वायर, मतलब ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, बी के इक्वल, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो आप लोग डाउट पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब चलिए हम आ जाते हैं लास्ट पेज पे, अब मैं आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, एनी डाउट,
ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है, सेकंड टेलीग्राम चैनल है आप लोगों के पास, उधर डाउट डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है, अगर कोई भी डाउट रह जाता है। पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, टेलीग्राम ज्वाइन करो फटाफट, ओके, क्लास अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो यार क्लास को, सो डैट केवल आप लोगों का हेल्प नहीं हो। देखिए अगर आप लोग और किसी की भी हेल्प करोगे तो उसका भी आप लोगों को क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, मे भी आप लोगों के एक नंबर कम आ रहा हो, शायद प्लस हो जाए क्योंकि आप लोगों ने शेयर किया दूसरे बच्चे की मदद की, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और बाकी क्लास को लाइक कर देना, अच्छी लगी हो, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक कर देना, ठीक है। कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो क्लास में वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट, ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अब देखो कल का एक आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, कल की क्लास देखना, ठीक है, मैंने कंप्लीट आप लोगों को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीट करा दिया, तो कल का एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोग का है, उसको कमेंट कर सकते हो आप लोग उस वाली क्लास में। और आज के आप लोगों लगभग चार होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ठीक है, तो इनका जो आप लोग आंसर करोगे, ठीक है, जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जिसका केवल आंसर आ रहा है उसका आंसर करोगे, एंड जो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है एक मैंने बताया था उसका रीजन बताना, मैंने आंसर बता दिया था आप लोगों को, तो उसका रीजन के साथ बताओ, पूरी क्लास लास्ट तक देखना, ठीक है, देन आप लोग रीजन के साथ कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर लिखना, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, मैं सारे कमेंट चेक करूंगा, ठीक है, और जो टॉप कमेंट होगा, ठीक है, उस कमेंट को पिन किया जाएगा कमेंट बॉक्स में, ओके, हाईलाइट किया जाएगा, समझ पा रहे हो नहीं, ओके, और बाद में हम लोग जो है प्राइज भी रखा करेंगे, पहले कुछ क्लासेस हो जाने दो, ठीक है, अच्छी खासी अच्छे खासे व्यूज आने दो, फिर हम लोग जो है प्राइज भी रखा करेंगे, गॉट इट। अब देखो इसी के साथ हम लोग स्केलर वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब कल जो स्टार्ट होगा वो आप लोग का मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये चैप्टर आप लोग का जो है कल से स्टार्ट होने वाला है, और ये चैप्टर मे बी साइज मैं आप लोगों को एक ही क्लास में कंप्लीट कर दूं, ठीक है, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल सारे क्वेश्चन, ठीक है, बाकी देखते हैं कितने क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो जो आप लोग का यूनिट एंड डायमेंशन एंड जो आप लोग का स्केलर एंड वेक्टर था, ठीक है, जो उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैं करा रहा था क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थे, वो पूछे जा सकते थे इसलिए करा रहा था, बट अब जो आगे के जो चैप्टर आएंगे उसमें जो न्यूमेरिकल है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत सारे, क्योंकि न्यूमेरिकल आप लोगों का लगभग उनमें जो टाइम लगता है वो एक से दो मिनट लगता है, और इतना लेंदी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आप लोगों के पास जो टाइम होता है वो 50 सेकंड होता है, ठीक है, तो इतना बड़ा ही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछा जाता है, समझ पा रहे हो कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब सीरीज जो है बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से चलेगी, ठीक है, तो इस पर रेस्पॉन्स भी आप लोग फास्ट तरीके से दो, शेयर करो जितना कर सकते इस सीरीज को, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।